हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? मुस्लिम उम्मत का किरदार इससे बढ़कर क्या हो सकता है? उम्मा उम्मा कर प्यारे मुस्लिम उम्मत उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं मुस्लिम उम्मत उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं। मेरे जवाब में आपने सुना होगा वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, ये समस्या है। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजावरी औरत बन जाए। जैसे से कहते ना कि इंसान को फेम मिलती है, वैसे वैसी जो है ना वो ओवर हो जाता है। सो डॉक्टर जाकिर नाइक का भी जो है ना यही हिसाब है। To my surprise, a large, a massive number of Pakistanis are criticizing Dr. Zakir Naik. हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है? ख्वाजा शराब। छक्का, बराबर। ख्वाजा शराब भी एक लफ्ज़ है जो हम यूज करते हैं। छक्का ना? Once more. आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है? ख्वाजा शराब। छक्का, बराबर। ख्वाजा शराब भी एक लफ्ज़ है जो हम यूज करते हैं। छक्का ना? अब इन पाकिस्तानियों को पता चला है कि जाकिर नाइक को हम हिंदुस्तानियों ने उसको भगाया क्यों था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये कह रहे हैं कि ये मुसलमान है, ये पाकिस्तानी लोग हैं, इनसे इंडिया के हिंदू भी बहुत बेहतर हैं। ये कमेंट डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किया। अच्छा बात नहीं है। पाकिस्तानी लोग अपना सिर पकड़ के पीट रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, हर जगह पाकिस्तानी लानते कर रहे हैं जाकिर नाइक को। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। वो उन पर तनकीद कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर देखिए और सुने, फेसबुक के ऊपर देखिए, इवन मीम्स बहुत से बन रहे हैं। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानात उनकी तरफ से दिए गए रियासत पाकिस्तान के बारे में। अब इन पाकिस्तानियों को पता चला है कि जाकिर नाइक वाकई में किसी देश में रहने के लायक नहीं है, किसी समाज में रहने के लायक नहीं है, किसी माशरे में रहने के लायक नहीं है। हिंदुस्तानियों ने तो उसे कैसे न कैसे करके अपनी जान छुड़ा ली, उसको भगाया यहाँ से। अब वो गया पाकिस्तान में और पाकिस्तान वाले 4 दिन में इससे परेशान हो गए जी। बहुत नाजुक सूरत हाल है। अभी पाकिस्तानी जाकिर नाइक को सिर्फ यही कह रहे होंगे। फिर क्या हुआ? डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करें। लेकिन ये छोटी छोटी हरकतें करके हमारी नजरों में गिर रहा है। अभी भी वो पाकिस्तान में आए, बेशक तबलीग इस्लाम के लिए आए, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो फ्री में कर रहे हैं ये सब? नहीं। ये कोई फ्री में नहीं कर रहा। अभी वो कह रहा है कि मेरे से पैसे ना लो, थोड़े दिनों बाद कहेगा कि ये मुझे मैंने इतनी तबलीग की है, इतने पैसे दे दो मुझे। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। ये तो अच्छी बात नहीं ना है इसकी। हाँ। तो जब तुम्हें ऑनर कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, हम करते हैं, हमारा दिल टूट गया तेरी इतनी बात से। इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप इंडिया की तरफ से कोई प्लांटेड पाकिस्तान में आ गए और आपका मकसद सिर्फ पाकिस्तानियों को इंसल्ट करना है, बेइज्जती करनी है। सो कॉल्ड डॉक्टर जाकिर नाइक ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में पहले जब ये लैंड करे तो भैया बहुत खुशी, जैसे पाकिस्तान में महीनों पहले ईद आ गई हो। लोग बावले, लोग परेशान, कोई हाथ चूम रहा है, कोई माथा चूम रहा है, कोई कुछ चूम रहा है, कोई क्या चूम रहा है, और वहां पे लोग बिल्कुल बावले, जाकिर नाइक आ गया, जाकिर नाइक आ गया, जाकिर नाइक ग्रेट इस्लामिक फिलोसफर, ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट फलाना, ग्रेट डिमका। अब पाकिस्तानी यूट्यूब पे आके गालियां दे रहे हैं जाकिर नाइक को। इवन डैड के मेरा जो आधा खानदान है वो खुद उनकी वीडियोस देखता है, लेकिन जब से जो है ये मतलब खुद को समझने क्या लग गए हैं यार। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ठीक है, हमने इनको बहुत जो है सारी वाम ने बहुत जो है ना ऑनर दिया है, प्रोटोकॉल देते हैं इन्हें, पाकिस्तान भी देता है, लेकिन ओवर प्रोटोकॉल। वाई हो जी? हम इस्लाम का निजाम कायम करेंगे दुनिया में। क्यों भाई? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। पाकिस्तान की स्टेट अथॉरिटीज़ के बारे में भी कुछ चीज़ें कहीं, और फिर पाकिस्तान के मुआशरे, सोसाइटी के हवाले से कुछ कमेंट्स किए। वो अंडर स्क्रूटनी आ गए, लोगों ने तनकीद की। हमारा काम यह है कि उस तनकीद को प्लेटफॉर्म करें और आपको बताएं कि उन पर तनकीद क्यों लोग कर रहे हैं। और उनका जो ये तमाशा है डॉक्टर जाकिर नाइक का, उसके जो एंटिक्स हैं वो तो खैर रोज़ ही हम सुन रहे हैं। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और वो कहते हैं कि इंडिया बुरा नहीं है। यानी वो बता रहे हैं कि इंडिया कितना बेहतर है, इंडिया कितना अच्छा है, मोदी बुरा है, इंडिया में मेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इंडियन ज़्यादा प्यार करते हैं और इंडियन पाकिस्तानी लोगों से बहुत बेहतर है। आप खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, आप खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत हुई। पाकिस्तान में इस जाहिल नालायक की इस हरकत की बहुत ज्यादा फजीहत हो रही है। पाकिस्तान की महिलाएं बहुत ज्यादा गुस्से में हैं क्योंकि बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज़। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, आओ मुझे पकड़ लो। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, आओ मुझे पकड़ लो। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज़ मेरे पास ही नहीं। अबे साले, उनको देख के ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुनिया का ये स्कॉलर जो है उसको दुनिया की पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडर्न वर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं पता। वो अपने किसी नैरो ग्रूव के अंदर फंसा हुआ है, उसी हवाले से वो सारे के सारे कमेंट कर रहा है। जिस हिसाब से पाकिस्तानी जाकिर नाइक को गालियां दे रहे हैं, तो पाकिस्तानियों तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि जाकिर नाइक डिजर्व करता है। वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। समझ रहे हो कौन सी चीजें ये बता रहा है, किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है। मैं क्या इसको बोलूं? जाकिर नाइक एक निहायत ठरकी, सुनते जाइए, अश्लील सुनते जाइए, बेहुदा सुनते जाइए, बदतमीज सुनते जाइए, आवारा कम्मा सुनते जाइए, जिहादी सुनते जाइए, आतंकी सुनते जाइए, भगौड़ा आदमी। पाकिस्तानी भी सोच रहे होंगे किस पागल को बुला लिया हमने जो हमारी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा है। हाय अल्लाह, और हमारे समाज को पाषाण युग की तरफ लेके जा रहा है। हमें फखर है इस पर। 14 साल की बच्ची है तो उसको बाजारू औरत बन जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देख लें, 12-13 साल के अनाथ बच्चे आए इसे अवार्ड लेने, गैर महरम है, मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगा, कोई अवार्ड नहीं दूंगा। वाह, ये इस्लाम के संस्कार है, ये इस्लाम है इनका। नायक साहब का ताल्लुक है तो वो उनकी जो भी सक्सेस है उन्होंने उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया। और ये जाकिर नाइक सबसे ज्यादा अगर टारगेट किसी को कर रहा है तो महिलाओं को कर रहा है। तो पाकिस्तानी पेंगुइन भी भड़की हुई है। पेंगुइन मतलब ये बुरखाधारी खातून। यार ये फर्स्टली मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी डॉक्टर जाकिर नाइक की। पर्सनली मैं खुद वीडियोस देखती थी उनकी, इवन डैड के मेरा जो आधा ख़ानदान है वो खुद उनकी वीडियोस देखता है। लेकिन जब से जो है ये मतलब खुद को समझने क्या लग गए हैं यार। ठीक है, हमने इनको बहुत जो है सारी वाम ने बहुत जो है ना ऑनर दिया है, प्रोटोकॉल देते हैं इन्हें, पाकिस्तान भी देते हैं, लेकिन ओवर प्रोटोकॉल। वाई हो इज़ ही। और ये जो इन्हें बोला है कि भाई 95% लड़कियाँ जो हैं जाहिल हैं, ये चलो उस लड़की ने जो आवाज़ उठाई थी इनके खिलाफ वो भी ठीक है यार, उसने भी सही आवाज़ उठाई थी और काफ़ी लोगों ने उसे सपोर्ट भी किया। इवन डेट सबने वैलिड क्वेश्चन था, होता है पाकिस्तान में ऐसा, वैलिड क्वेश्चन था उसका। और जो दूसरी उन्हें मैं उन्हें इस तरह हाँ नहीं, मैं ऑन मतलब सामने जो माइक के नीचे ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बकवास की, लेकिन उन्होंने बात गलत की। ठीक है, और दूसरी बात ये अगर आवाम आपको प्रोटोकॉल दे रही है, ठीक है, आपको ओवर प्रोटोकॉल क्यों मांग रहे हैं आप? अब हैं कौन? देखिए रूल्स आर रूल्स। अब वो स्टेज सबके लिए रूल्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए रूल्स हैं। अब वो उन्हें प्रोटोकॉल हम लोग खुद दे रहे हैं यार। हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं, हमारा कोई ऑफिशियल बाहर जाता है, उनकी चेकिंग होती है कि नहीं होती? होती है ना, वो अपने रूल्स का ख्याल रखते हैं ना। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी अगर रूल्स को फोकस किया जा रहा है, चले उसके ऊपर भी 50% डिस्काउंट उनको कह दिया, वो स्टेज पर खड़े होकर लोगों को रूल्स सिखाते हैं। इस्लाम के अंदर ये है कि जो रूल हाकिम पर लागू होता है वही राया पर भी लागू होता है। तो जो जाकिर नाइक है वो इस चीज़ को खुद मानते क्यों नहीं है भाई? यार ही इज़ ओवर, ही इज़ ओवर। मेरे लिए ये ओवर है हर चीज़। इन्हें प्रोटोकॉल, जब मेरी बात सुने, एक लाइफ में अगर आपको इस दुनिया में थोड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है तो उसे डिजर्व करें और हजम करें, जो कि उन्हें नहीं हो रही हजम। इन पेंगुइनों की बातें सुन के मेजर साहब भी शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए, भाई वो चल क्या रहा है पाकिस्तान में, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तानीज अगर तुमको रिग्रेसिव बोल रहे हैं बेटा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। ये मैं जाकिर नाइक को बोल रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी तुम्हें रिग्रेसिव मान रहे हैं, जो कि रिग्रेसिव्स के बाप हैं दुनिया में पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों से रिग्रेसिव कौम, और ये तुम्हें रिग्रेसिव मान रहा है, देन देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी उनको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है और प्रोटोकॉल इवेंट डेट उन्हें बहुत सारी लड़कियां लड़के जो है सुनने के लिए यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उनका इंटरव्यू अक्सर यूनिवर्सिटीज में उन्हें बुलाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। सो आई थिंक उन्हें ये डिजर्व करना चाहिए और हजम करनी चाहिए, इतनी काफ़ी होनी चाहिए। मैं आपसे यहाँ पर ये भी सवाल पूछना चाहूँगी, उनको ना इंडिया से बैन कर दिया गया था, अब वो ना मतलब पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये दूसरी दफ़ा उन्होंने ये बात की है कि इंडिया इज़ बेटर, तो आपको क्या लगता है वो दोबारा से इंडिया तो नहीं जाना चाहते? यार ये मैं क्या कहूँगी, तो फूट ही डाल रही है दोनों जो है ना मतलब कंट्रीज़ के दरमियान, लाइक एक लड़ाई, जंग जिसे कहते हैं। भाई पाकिस्तान में रह के आपको पाकिस्तान में इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, आप कौन होते हैं उसकी मुखालिफ कंट्री के जो है ना इतनी तारीफ़ें करने वाले उसकी, उसी कंट्री में रह के, और वो भी उसी कंट्री को खुद ही छोड़ के गए थे वो। बस क्या कह सकते हैं, इज ओवर। देखिए दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे कि इन्होंने पहली बात तो इन्होंने तारीफ करी पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान खुश हो गए, तो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तानीज हैव अ बेटर चांस ऑफ रीचिंग जन्नत देन दोज लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सारा खेल ही जन्नत का है कि अगर तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, हूरें मिलेंगी, खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, शराब मिलेगी, शहद मिलेगा, क्या मिलेगा जन्नत में? सारा गेम जन्नत का है। यहाँ पे बेड़ागार का सारा गेम जन्नत का है कि एक दिन हम जन्नत जाएंगे। अच्छा वो वाली टॉफी इसने भी बेच दी, बोला कि पाकिस्तानियों तुम पहले जन्नत। ये जब उसके हाथ पैर चूम रहे थे तब की बात है। फिर क्या हुआ कि एक हिंदू लड़के ने इससे सवाल पूछा कि हार्डलाइन इस्लाम के बारे में, कि भैया ये कट्टरपंथी इस्लाम के बारे में एक हिंदू लड़के ने शायद सवाल पूछा, तो बोला कि कोई भी हिंदू गुरु है मुझसे डिबेट नहीं कर सकता, चाहे वो रविशंकर हो, जग्गी वासुदेव हो, बाबा रामदेव हो, नोबडी इज केपेबल ऑफ डिबेटिंग मी। और कहता मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम बच्चे हो। और जाकिर नाइक तुमसे डिबेट नहीं करना चाहते, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है ठोकने के चक्कर में, तुम पागल पागल हो क्या? डू यू थिंक पीपल इन इंडिया और द पुलिस इन इंडिया और द लॉ एनफोर्समेंट और द गवर्नमेंट दे वांट टू डिबेट विद यू? दे डोंट वांट टू डिबेट विद यू, दे वांट टू डू मच मच वर्स। आई मीन तुम किस चक्कर में पड़े हो कि डिबेट डिबेट? लाइफ इज नॉट ऑल डिबेट, लाइफ इज नॉट अबाउट डिबेटिंग। एंड इफ यू विन इन अ डिबेट दैट डज ऑन विन, क्या तुम्हारे चेले चपाटे सामने खड़े हैं, वो ताली पीटते रहते हैं, तुम बोलते तो दिस इज रिटन इन चैप्टर 1 verse 5, chapter 3 verse 17, कौन जाके चेक कर रहा है? कुछ भी बोलते हो तुम। और तुम कह रहे हो कि नोबडी कैन डिबेट। वो तुम्हें ठोकने के चक्कर में भाई, तुमसे डिबेट करने के चक्कर में नहीं है, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। आखिर सवाल पूछूंगी, देखिए हमारे कंट्री के अंदर उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, हर घर में पीस टीवी लगा होता था, ठीक है? जब जाकिर नाइक खुद इस तरह से बात कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, तो आवाम उनसे क्या सीखेगी? नहीं यार, एक्चुअली जो है ना, स्टार्टिंग में जब ये आए थे ना टीवी पे, मतलब जिनके जो वायरल होना शुरू हुए थे, तब ये बहुत अच्छे थे। इनके इंटरव्यूज़ मैंने खुद देखे हैं यूएमटी में, मतलब अदर जो ना यूनिवर्सिटीज़ में ये गए हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स इन्हें बहुत फॉलो करते हैं। बट जैसे जैसे कहते हैं ना कि इंसान को फेम मिलती है, वैसे वैसे जो है ना वो ओवर हो जाता है। सो डॉक्टर जाकिर नाइक का भी जो है ना यही हिसाब है। आज मैं आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूँ कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैं ये कहता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, नहीं ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर करो, नहीं और कमेंट तो आप कर ही दोगे। चीटिंग करता है तो। आज का वीडियो बस इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।